Hello viewers, myself Reena Zaveri, Assistant Leader Trainer, Scout Wing, Maharashtra. आज मैं आपके साथ स्काउट गाइड नियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करने वाली हूँ। स्काउट गाइड एक संस्था है जिसका मूल व उद्देश्य नियम में सम्मिलित है। स्काउट नियम स्काउट वचन का एक अभिन्न अंग है। स्काउट गाइड का एक ही नियम है जिसे 9 भागों में बांटा गया है। नियम का तात्पर्य स्काउट गाइड के लिए हमेशा तैयार रहने का संदेश देता है। स्काउट गाइड नियम का पहला भाग, स्काउट विश्वसनीय होता है। सत्य विश्वसनीयता की सर्वश्रेष्ठ कुंजी है। आचरण सत्य पर आधारित होगा तो हर कोई आप पर विश्वास कर सकता है। महात्मा गांधी जी ने जीवन भर सत्य का पालन कर विश्व को दिखा दिया कि सत्य में कितनी शक्ति है। सत्यमेव जयते झूठ बोलने का प्रतिफल होता है। यह उस गडेरिया पालक की कहानी से परिलक्षित होता है जो प्रतिदिन भेड़िया भेड़िया चिल्लाकर गांव वालों को ठगा करता था, लेकिन जब सचमुच भेड़िया आ गया तब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे अपनी भेड़ों से हाथ धोना पड़ा। स्काउट गाइड अपने माता पिता, भाई बहन तथा मित्रों और गुरुजनों का विश्वास पात्र होता है। सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। व्हेन स्काउट मास्टर आस्क्ड टू रिक्रूट, डू यू नो व्हाट योर ऑनर इज, ही रिप्लाइज, आई कैन बी ट्रस्टेड टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। द बॉय हिमसेल्फ चूज टू बी ट्रस्टवर्दी and put him in the work to show himself trustworthy in throughout scouting life. Scout वफादार होता है। सृष्टि में प्रत्येक प्राणी का कोई न कोई स्वामी अवश्य होता है। वफादारी यानी अपने माता पिता गुरुजनों समाज व देश के प्रति अपनी भावनाओं को शुभचिंतक के रूप में प्रस्तुत करना होता है। हमारे देश के इतिहास में वफादारी के कई उदाहरण देखने मिलते हैं, जैसे भामाशाह ने अपने जीवन भर की संचित पूंजी को देश हित कारण महाराणा प्रताप को सौंप दिया था। बाजी प्रभु देशपांडे वॉज अ कमांडर ऑफ मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। The legend of Baji Prabhu is intricately linked with an important rearguard battle enabling Shivaji's escape from Panala Fort. He was the hero who sacrificed his life for his king. Scout सबका मित्र और प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है। स्काउट गाइड संस्था वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर विश्वास करती है। उनमें भाईचारे की भावना होती है। स्काउट गाइड जाति धर्म सीमा वर्ग आदि के बंधन से पर होते हैं। वे एक दूसरे का विश्वास करते हैं और मित्रता का संदेश सदैव चेहरे की मुस्कान के साथ देते रहते हैं। A good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have. There is nothing I would not do for those who are really my friends. There is nothing like a really loyal, dependable, good friend. Nothing. स्काउट विनम्र होता है। विनम्रता में अहंकार को पिघलाने की क्षमता है। विनम्र व्यक्ति सबका प्रिय होता है। विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है। विनम्रता सज्जन व्यक्ति का आभूषण है। स्काउट गाइड सदैव इस आभूषण को धारण करके रहते हैं। Courteousness means well-mannered behavior towards others. The definition of courteous is a polite and considerate person. An example of courteousness is whenever a scout is traveling and if he sees a pregnant woman or an old man, he makes a room for them by leaving his seat.
A courteous unknown scout at London helped two WD boys, and so that a big organization started in America called Boy Scout of America. स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है। अनादिकाल से मनुष्य और पशु पक्षियों में एक दूसरे पर निर्भरता देखी गई है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र एवं यातायात के लिए प्रकृति पर निर्भर चला आ रहा है। प्रकृति ईश्वर की देन है और स्काउट गाइड सर्वशक्तिशाली परमात्मा के अधीन है। प्रकृति के निकट रहकर स्काउट गाइड को परम सुख की अनुभूति होती है। By the definition, a nature lover is someone who thrives on spending time in the outdoors and observing wild animals and plants. Scouts and guides are nature lover who loves nature, the depth of its silence and the beauty of it. It is someone with good heart, think with heart and not head, and has immense love for himself. Only those who love oneself can love others and nature. स्काउट अनुशासनशील होते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करते हैं। स्काउट गाइड संगठन एक गणवेशधारी संस्था है जिसके नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत, कार्यक्रम, विधियां स्काउट गाइड के लिए संयमित व नियमित वातावरण को प्रस्तुत करती हैं। स्वयं शिस्त व्यक्ति ही दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ा सकता है। स्काउट गाइड की स्वयं शिस्तता दूसरों के लिए उत्तम उदाहरण होती है। स्काउट गाइड रचनात्मक होते हैं और जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में रचनात्मक विचार होते हैं, वे विनाश से दूर रहकर दूसरों को भी रचनात्मक कार्य की ओर प्रेरित करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति देश की संपत्ति है जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व देश के हर नागरिक का होता है। स्काउट गाइड राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। Scouting and guiding organization has disciplined approach. Disciplined approach will develop models to promote our understanding of events, patterns of behavior. To overcome the fear, we must face problems. Scouts should consider public properties as our own property, and we should help to take care of it. We should not make any damage to public property as if not even needed to take care of it. स्काउट साहसी होते हैं। साहस व्यक्ति की ढाल है। खतरों का सामना करके साहसी व्यक्ति कठिन परिस्थिति को मात देता है। बालक में बचपन से ही साहस के गुण की प्रेरणा दी जाए तो वो यकीनन कभी भी मुश्किल के समय में पीछे हट नहीं करेगा। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज को साहसी बनाने का श्रेय उनकी माता को जाता है। स्काउट गाइड साहस और सूझबूझ से परिस्थिति का सामना करते हैं। रात्रि हाइक, वनोपसेवक, शिविर जीवन, तैराकी, पर्वतारोहक आदि कलाओं से उनमें साहस के गुणों का विकास होता है। A human who do not deter by danger or pain is called brave. The true meaning of courage is not the absence of fear, but rather the ability to overcome fear when we want something bad enough. In order to check this power, you must practice and increase your bravery by courageous act. To forgive someone and to agree for your mistakes are also sign of courage. Scout mitvayi hota hai. बचत का गुण स्काउट गाइड में भरा होता है। शिविर जीवन में कम चीजों में जीने की आदत पड़ जाती है। हर चीज का पूर्णतः उपयोग करना, किसी भी चीज को व्यय न करना, चीजों को संभाल के रखना, हर चीज वस्तु का आदर करना, साथ में अपनी वाणी पर भी नियंत्रण करना, हमेशा मृदुभाषी रहना, भाषा में भी हीनता का प्रभाव न आने देना, किसी भी चीज वस्तु से शीघ्र प्रभावित न होना, इसे एक स्वयं शिस्तता का उत्तम उदाहरण कह सकते हैं। A thrift means given to others
It is a good management of money. This is a satisfaction which will be achieved after lessen our needs. A careful spending of money or using of food or other resources so that one can save or have some left in reserve. Scouts and guides are noted for their thriftiness. They carefully spending all the resources for saving those for future. A scout shows thriftiness about time, money, words, water, and other natural resources. स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। मनस्वी व्यक्ति अपने मन वाणी कर्म तीनों को संयम में रखता है। हमारी भारतीय संस्कृति मन को वश में रखने पर बल देती है। मन और बुद्धि चेतना के अंग है। वाणी मृदु होनी चाहिए और कर्म विचार एवं वाणी संलग्न होनी चाहिए। एक हकारात्मक सोच वाला व्यक्ति के मन के भाव हमेशा निर्मल होते हैं। निर्मल भाव से वाणी मृदु बनती है और मन वचन शुद्ध होने पर कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। हेलो, सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ शुड यू वॉश योर हैंड्स। सो First, we will open the tap and take a hand wash, a liquid hand wash or anything. Then we have to rub it for 20 seconds nicely everywhere. Then we have to splash water. You should wash your hand in every 30 minutes as coronavirus is very dangerous disease. It can happen to you, the germs can